बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। दो तीन दिन से किसी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ सका, उसके लिए आप सबसे माजरत। और मैं अभी अभी उठा हूँ, सुबह सुबह नमाज पढ़ी है, सपारा पर है। और हमने घर में ये साहिबा लगाया हुआ था, ये नेरियों की वजह से ये खुल गया था, और अभी इसको सही करके बांधना है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, इस वजह से जो साहिबान लगा देते हैं हम। और पहले इसको सही करते हैं, फिर कोई और बात करते हैं। इसको पहले सही कर ले, साहिबान करिए, साहिबान लगाया हुआ है, इसको सही करना पहले, फिर आपसे बात करते हैं। और हमने अब इसको सही करके हमने बांध दिया, ये देखिए अब ये सही हो गया, अपनी धूप जाएगी नीचे। चल ये जब से ईद के चांद रात को जब अंधेरी आई थी, ये तब से ऐसे खराब हुआ था, सही करने को टाइम नहीं था लग रहा। कल कल कहते थे और मैंने बोला आज से इसको सही कर ही देती हैं, और आज मैंने नमाज पढ़ते ही इसको सही कर दिया। और सही होगा नहीं तो ऐसे ही हम रोज़ाना कल कल कर देते थे। कपड़ा तो हमने बांध दिया, और अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, और फिर हम आपको दोबारा मिलते हैं रेस्ट करके। और अब जोहर की नमाज़ का टाइम होगा, जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। और 23 तारीख से फिर स्कूल कह रहे हैं खुल रहे हैं, देखे हैं पता नहीं क्या करते हैं, फिर 4-5 दिन खोलते हैं तो बंद कर देते हैं, ये मसलसल खुला रह देते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि स्कूल खोल के उन्होंने फीस दे के फिर बंद कर देने, क्योंकि आगे गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, क्योंकि गर्मी है आगे जो महीने होंगे वो तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी उसमें, और क्या पता छुट्टियाँ दे दें फिर गर्मियों की। हमारी किस्मत तो मैं तो ऐसा ही लिखा है, हम 10वीं वालों में 9वीं में भी प्रमोट होकर देखे हम 10वीं में भी करते हैं या नहीं, या पेपर लेते हैं। कह रहे तो हैं कि अगले महीने से शायद पेपर शुरू हो जाएं, देखें अब कैसे होते हैं। हमारी किस्मत में तो ऐसे ही लिखा है कि 10 दिन स्कूल तो फिर महीना छुट्टी, देखें आप क्या करती हैं, स्कूल खुलते हैं नहीं खुलते, अगर खुलते हैं तो लगातार खुलेंगे या फिर बंद कर देंगे। अभी ये 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा स्कूल जाके, और हम तो तैयारी कर रहे हैं पेपरों की, देखें अब लेते हैं या नहीं लेते। हमने तो बोला थोड़ी थोड़ी तैयारी रखते हैं, और अब नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। आज इसलिए और हम मगरब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और हम अब खाना खाने लगे। हम खाना खा के फिर हम आपको दोबारा मिलते हैं, खाना खा रहे हैं आपको दोबारा मिलते हैं। हमारी तो लाइट ही चली गई है, पता नहीं क्या हुआ इनको, पहले तो निखरते इस टाइम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हमने सब्जियों को पानी लगाना है, हम सब्जियों को पहले पानी लगा लेते हैं। हमने सब्जी को पानी भी लगा दिया, और ऊपर से लाइट भी आ गई है, थोड़ी देर के लिए लेके गए थे, आ गई वापस लाइट आ गई। पौधों को पानी डाल के मैं सो गया था, और अभी मैं उठाऊँ तो अभी असर की नमाज का टाइम हो गया, और अब असर की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। आज चलिए तहजाने होती हैं, अभी चलते हैं। आजकल जो मौसम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा गर्मी का, आगे और ज़्यादा गर्मी होगी आजकल के बॉक्स में, आगे जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे ना। ले जी हम असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और हम कश्मीरी और फलस्तीन के मुसलमानों के हक में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़्यादा नसीब फरमाए, उनका खोया हुआ अल्लाह ताला उनको वकार वापस दे। और वो कश्मीरी और फलस्तीन के मुसलमान चीख चीख कर पुकार रहे हैं, 36-37 इस्लामी मुल्क हैं, और उनके बारे में मजम्मत ही सिर्फ कर रहे हैं। मजम्मत से क्या होगा, ये क्या हुआ कि 10 बंदे मर गए हम बहुत मजम्मत करते हैं, 5 बंदे मर गए हम बहुत मजम्मत करते हैं। मजम्मत करने से कुछ नहीं होगा, हमें जहाद करना होगा, और जहाद से ही सब कुछ होगा। ऐसे तो वो आदमी मारते जाएंगे और हम सिर्फ मजम्मत ही करेंगे, हमें कुछ स्टैंड लेना होगा, हमें उनके बारे में बोलना होगा, कौमे मुद्दा में हमें उनके खिलाफ बोलना होगा, और फिर जाकर हम कश्मीरी और फलस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वो कम होगा। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कश्मीरी और फलस्तीन के मुसलमानों पर
जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको या गर्क कर दे या अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और अल्लाह ताला कश्मीरी और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के गैबाना से मदद फरमाए, और हम सब हम मेरे या आपके वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी वक्त सिर्फ जहाद का है, और ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको जगा रहे हैं कि अभी आपके जागने का वक़्त है, और अभी जागो, होश के ना हो लो, वक़्त बहुत कम है, ये ना हो कि वक़्त हाथ से निकल जाए और फिर हम करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।